इस जगत से ना कुछ भी पाने की इच्छा, इस जगत से ना कुछ भी पाने की अपेक्षा ना आकांक्षा, इस जगत में ना कुछ खोने का डर रहा, ना भय रहा, ना चिंता रही, ना कोई फरियाद रही, ना कोई फरियाद बची। इस जगत की किसी भी व्यक्ति के लिए ना कोई फरियाद रही, ना कोई फरियाद बची। इस जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए जो कुछ भी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, इसमें स्वयं में स्वयं से तृप्त जो कुछ भी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, इसमें स्वयं में स्वयं से संतुष्ट। अगर ये पूरा वर्णन मैं एक ही शब्द में कहूँ तो वो हो जाएगा शब्द सोहम अस्मि। ये मनुष्य की अवस्था है। जब मनुष्य अपने मन की यात्रा पूर्ण करता है, मन अर्थात इच्छा, पाने की इच्छा, खोने का डर अर्थात हमारा मन, जब ये यात्रा पूरी हो जाती है तब जो अवस्था धारण करता है मनुष्य, उसे कहा जाता है सोहम अस्मि। मैं आप सबको निमंत्रित करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ आनंद नर्तन गणपतेय नृत्य मंदिर में। आज की जो नृत्य सबर प्रार्थना है वो प्रार्थना है सोहम अस्मि। ये पूरा का पूरा वर्णन अर्थात संतुष्टि, जीवन की संतुष्टि, स्वयं में तृप्त, ये तृप्ति मैं अभिव्यक्त करने को जा रहा हूँ नृत्य में। नृत्य सबर अभिव्यक्ति प्रकट करने को जा रहा हूँ। पूरा कंपोजिशन है, राग मालिका है, विविध पवित्र रागों का समन्वय है और ये भारत के प्राचीन एवं आध्यात्मिक नृत्य शास्त्र उड़ीसी पर आधारित है। जितनी मेरी उड़ीसी को समझने की क्षमता और शरीर की क्षमता उसको ध्यान में रखकर ये नृत्य सबर अभिव्यक्ति प्रार्थना प्रकट करने को जा रहा हूँ। आप स्वयं अनुभव करें। संध्या का समय, सूर्य विदा हो रहा है, पवित्र संध्या अवतरित हो रही है, स्वर्णिम संध्या, और इसमें नृत्य सबर अभिव्यक्ति खुले आसमान के नीचे पहाड़ों के बीच। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए सोहम अस्मि दर्शन की ओर।